तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये पेंडेंट। ठीक है, इसको पेंडेंट भी कर सकते हो अगर आप इसको ऊपर एक मतलब इयररिंग साइज थोड़ा पीस अटैच कर दोगे तो ये झुमकी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं ये जो ट्रायंगल बर्फी शेप का जाली है वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पिक्चर की अनलॉक कर देते हैं। तो हमें एक सर्कल चाहिए। ठीक है, स्पेयर। ठीक, यहाँ पे एक स्पेयर लेना। जीरो एंटर। अब अपने हिसाब से साइज रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 mm का रखता हूँ। ठीक है, 20 हो गया। इसको मैं इसको यहाँ से हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपका जो वो स्पेयर लेना है वो टॉप व्यू में लेना है। ठीक है, स्पेयर तो सिंपली क्या करना है, इसको आप अगर आप राइनो का टूल बार यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ से कर्व में जाना है, कर्व फ्रॉम ऑब्जेक्ट में जाना, क्रिएटिव भी कर्व। ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कर्व में जाना है आपको, ये देख सकते हो क्रिएटिव भी कर्व। ठीक है, सिंपली आप क्रिएटिव भी कर्व पे एक बार क्लिक करके एंटर दबा देना। ठीक है, हमारा एक बॉक्स आ गया इधर। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर हमारा जाली आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक लेयर में हट कर देते हैं, एक एरिया सेंटर कर देते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ से आपको एक ट्रायंगल लेना है। ठीक है, 3 इंटर। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में कर देना। ठीक है, हो गया। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हम टैप अप कर देंगे ताकि हमारा जो जाली है बर्फी शेप में हो जाए। ठीक है, सिंपली यहाँ से इसको मूव करना है। तो यहाँ से आपको करना है ट्रांसफॉर्म एरी लाइनर। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ से 12 कर देता हूँ, यहाँ से एंड पकड़ के यहाँ तक कर देना, बाकी जो बचा है उसको डिलीट कर देना। तो यहाँ से हम स्केल 2D कर देते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ से हो गया, इसे हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एरी लाइनर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ज़्यादा है तो इसीलिए मैं यहाँ से 25 को दे रहा हूँ। यहाँ से एंड और यहाँ से एंड, बाकी जो बचा है इसको डिलीट कर देना हूँ। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा स्केल 1D कर देते हैं, 2D सॉरी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसके साथ। ठीक है, हो गया। अब इसको यहाँ से एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, तो इसको रिपुल कर सकते हो। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ से ग्रुप कर देना। हो गया हमारा जाली रेडी। ठीक है, सिंपली जो हमने वो हाइड किया था, ठीक है, उसको लेके आना है। यहाँ से
आपको बताया था ये देखो सकते हो, तो यहाँ पे क्रिएटिव भी कर्व के पास अप्लाई भी कर्व, ठीक है ये देख सकते हो ऊपर लिखा आ रहा होगा इधर अप्लाई भी कर्व, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से कर्व से भी यहाँ से कर सकते हो, अप्लाई भी कर्व सिंपली आपको स्फीयर पे क्लिक करना है। इसको एक बार क्लिक यहाँ इसको सिलेक्ट करके, ठीक है ये अप्लाई भी कर्व को क्लिक करके अब इसको स्फीयर के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है हमारा जो जाली है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है इसको यहाँ से हाइड कर देना इन सबको, एक लेयर में हाइड कर देता, ठीक है हो गया सिंबल। ये देख सकते हो पूरा राउंड हो चुका है, ठीक है ये जो कर्व है इसको डिलीट कर देना, इसको सिंपली यहाँ से ज्वाइन कर देना, ठीक है और यहाँ से एक सर्कल लेके आपको 2 mm का सर्कल लेते हैं और यहाँ से आपको 0.55 या 0.6 का भी आप पाइप कर सकते हैं, ठीक है हो चुका है हमारा। अब क्या करना है आपको, ठीक है अब आपको यहाँ से एक आर्क लेना है, आर्क ठीक है
यार से भी बोल सकते हो आप, तो यहाँ से ऑफ कर देना। इसको एक इस हाँ और ये दूसरा यहाँ करके इसको थोड़ा नीचे की तरफ बेंड कर देना, ठीक है। और इसको यहाँ से हम राउंड पाइप कर देते हैं 1 6, ठीक है। ये हो चुका हमारा। क्या करना है इसको, यहाँ से हम थोड़ा सा पाइप कर देते हैं, यहाँ से सर्कल लेके इसको यहाँ से हम नीचे की तरफ ले आना है आपको। इसको यहाँ से पाइप कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो चुका हमारा। और आपको क्या करना है इसको थोड़ा सेकंड इस डायरेक्शन में कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है हम उसको यहाँ पे एक पाइप करते हैं, ठीक है। इसे सर्कल लेना है आपको, सर्कल करना है आपको 3.6। इसका करना है यहाँ से आपको पाइप करना है 0.8। हो चुका है, सारे कप को यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देना, ठीक है। सबको एक लेयर में कर देते हैं। हमारा जो काम है उसको ले आते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, अच्छा होता है इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो हमारा जो ये है रेडी हो चुका है इंडन, ठीक है। उसको अगर आप इसको ऊपर एक मतलब पीस लगा के आप इसको यारिंग भी कर सकते हो झुमकी, ठीक है। ये हो चुका है हमारा, देख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसको और आपको करना है, ठीक है, नीचे कर फ्लो करके भी इसको कर सकते हो, ठीक है। जाली जैसे आपको मैंने बताया क्रिएटिव विकल्प करके।